स्वागत है आप सभी का लेटेस्ट रिएक्शन मिक्स के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम पाकिस्तान रेलवे रोज 2 देखने जा रहे हैं। ये ट्वीप ऑफिशियल का वीडियो है और हमने पहला पार्ट तो इसका किया हुआ है, तो आज दूसरा पार्ट देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का मिक्स रिएक्शन। अगर हिंदुस्तान को हकीकत में शिकस्त देनी है तो पाकिस्तान रेलवे को मजबूत करना होगा। पर पौड़ी पाकिस्तान रेलवे को मजबूत कैसे करेंगे? सखर डिवीजन में पटरियों को मजबूत थामे रखने के लिए ट्रैक में कील की जगह लकड़ियां लगा दी गई। भाई लोग, ये तो पोलियो की हालत है। रेलवे ट्रैक से बोल्ट निकलकर हाथों में आ रहे हैं, बोल्ट की जगह ट्रैकों में लकड़ियां लगाते फिर रहे हैं। फटे कच्चे जैसी बोगियों की हालत हो रखी है और ये हिंदुस्तान को शिकस्त देंगे। भाई लोग, कंगाली का कोई सटीक उदाहरण देखना है तो पाकिस्तानी रेलवे देखो। ट्रेन की बोगी का शायद ही कोई हिस्सा होगा जो सही सलामत हो। यहाँ तक कि बंदों ने गेट तक को प्लास्टिक की सूतली से बांधा हुआ है। ये रहमान बाबा पेशावर से कराची जा रही है, प्लास्टिक से बांधा हुआ है। ये क्या है? और बोगियों की सीट्स की हालत, साला जितने तो पूरी ट्रेन में पैसेंजर नहीं होंगे, जितने केवल एक सीट पर खटमल भरे हुए हैं। लेट मी शो यू द रियलिटी ऑफ पाकिस्तान रेलवे और खटमलों से भरपूर। और ये किस कदर खटमल है मेरी तो भाई ये समझ नहीं आ रहा, ये रहमान बाबा एक्सप्रेस है या खटमल एक्सप्रेस? पैसेंजर से ज्यादा तो खटमल नजर आ रहे हैं। मानो पाकिस्तान रेलवे ने इंसानों के लिए नहीं खटमलों को स्पेशल ट्रेन चलाई हो। और भाई, ट्रेनों में खाने पीने की व्यवस्था, ये चमकती हुई बोतलें आप देख रहे हैं, आप ये समझ रहे होंगे ये कोई फ्रिज वगैरह में रखी हुई है। नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है, ये वॉशरूम के अंदर रखी हुई है। ये आपको रेलवे का बोर्ड भी नजर आ गया। और उधर टॉयलेट में रखे सामान का वीडियो बनाने वाला बंदा, हमें यहाँ हक के निकलना है और सबका पर्दाफाश करना है। भाई, पाकिस्तान रेलवे की ये दुर्दशा अभी से नहीं है, इनका आजादी के बाद से ही यही हाल है। पोलियो ने कभी रेलवे पर खर्च ही नहीं किया, क्योंकि पोलियो का मानना है पाकिस्तान वो मुल्क था जिसको एक जबरदस्त अंग्रेज रेलवे सिस्टम छोड़ के गया। हाँ, इतना जबरदस्त रेलवे सिस्टम छोड़ कर गए थे कि पूरे पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलती थी। ट्रेन तो मानो पाकिस्तान से हर देश में जाती हो। अरे तेरी बहन का कटोरा खान मारूं, दुनिया रेलवे के क्षेत्र में कहां से कहां पहुंच गई। बुलेट ट्रेन का दौर आ गया और बंदे को जबरदस्त रेलवे सिस्टम कब का नजर आता है? 1947 का। और क्यों? क्योंकि वो खैरात में मिल गया था ना। लेकिन बंदों ने उस खैरात में मिले रेलवे सिस्टम को भी नहीं छोड़ा, पटरियों से ट्रेनें हटाकर गधा गाड़ी दौड़ा डाली, क्योंकि इससे डीजल का खर्चा बचेगा। और अब जब खर्चा बचाने के चक्कर में पाकिस्तान रेलवे की धज्जियां उड़ गई हैं, तो बंदे का कहना है हमने कभी रेलवे के ऊपर पैसा नहीं खर्च किया। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। मतलब बंदा अब यहाँ रेलवे पर ज्ञान पेल रहा है, और कल तक जब इसकी हुकूमत थी तो बंदे ने खुद रेलवे पर एक ढेला खर्च नहीं किया। और खर्च किया भी तो कहाँ, ग्रीन रेलवे पर। और क्यों? क्योंकि पेड़ पौधे लगाने में कोई ज्यादा खर्च नहीं होता। और बंदे ने इस काम के लिए रेलवे मिनिस्टर बनाया इस पेटू को, जिसका मानसिक संतुलन पहले ही हिला हुआ है। तमाम पाकिस्तान रेलवे की ट्रेनें 138 की 138 ट्रेनें 1 मिनट के लिए 12 से 12:30 बजे रुकेंगी। क्या बोला तूने? 1 मिनट के लिए 12 से 12:30 बजे रुकेंगी। इस सर फिर पागल हो गया। मतलब भाई, इस पेटू का 1 मिनट आधा घंटे का होता है। ट्रेन 1 मिनट यानी 12 से 12:30 बजे तक रुकेगी। और भाई, ये इकलौता रेलवे मिनिस्टर नहीं है जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। इससे पहले के भी रेलवे मिनिस्टरों की मानसिक स्थिति, रेलवे के एक मिनिस्टर रहे हैं खावर साहब, उसके जमाने में ट्रेनें थी नहीं। और उससे सवाल किया गया तो उसने कहा क्या हुआ, अफगानिस्तान में भी तो रेलवे लाइन नहीं है ना, तुम्हारा वहाँ भी तो चल रहा है। भाई, पाकिस्तान में ट्रेन चले ना चले, पाकिस्तानी रेलवे मिनिस्टरों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ट्रेनों में मुजरा बराबर चलना चाहिए। क्या हो रहा इधर, क्या मुजरा हो रहा इधर? मतलब बंदों ने ट्रेनों को ही कोठा बना रखा है। और उधर दूसरी तरफ पाकिस्तानी रेलवे के कर्मचारी, जिनको कई महीनों से सैलरी नहीं मिली है, वो दाल रोटी है, कभी छोले खा के टाइम पास करते। हम अपना पेट भरेंगे तो बच्चों का पेट नहीं भर सकते। बार बार इल्तिजा करते हुए हम लोग थक चुके हैं, हम उनसे कोई भीख नहीं मांग रहे, हम उनसे अपने तनख्वाह का मुतालबा कर रहे हैं। यहाँ पे सैलरी जो हमारी जो है वो हमारे को बहुत लेट मिलती है, 2-2 महीने हो जाते हैं, कभी 3 महीने हो जाते हैं। बंदों के पास ट्रेनों में अय्याशी काटने के लिए तो बहुत पैसा है, लेकिन बात जब रेलवे कर्मचारियों को सैलरी देने की आती है तो पाकिस्तानी सरकार, हम शुद्ध गरीब है। भाई, पाकिस्तानी मीडिया की माने तो पाकिस्तानी रेलवे का कुल घाटा है, सालाना खसारा 47 अरब रुपए तक पहुंच गया। क्या पाकिस्तान रेलवे भी कभी जदीद दौड़ में दाखिल हो सकेगी? नहीं।
लेकिन ये 47 अरब पहुँचा कैसे? तुम्हारे फूटे कर्मों की बदौलत। भाई पाकिस्तानी रेलवे मिनिस्टर्स का क्या है, बंदे विदेशों में बोगियां लेने पहुँच जाते हैं, बोगियों की अच्छे से जांच पड़ताल भी करते हैं, लेकिन बोगियां जब पाकिस्तान आ जाती है तब 3 जनरल्स थे उनके ऊपर केसेस भी बने, काफी उस पे हंगामा भी रहा। बोगियां उन्होंने खरीदी वहाँ से और वो उनको पता नहीं था कि बोगियां हमारे जो साइज है बोगियों की चौड़ाई का और उनकी चौड़ाई क्या है, वो ज्यादा चौड़ी बोगियां ले, उसके बाद उनको प्लेटफॉर्म तोड़ने पड़े। पैसा बर्बाद पहन। बस सेम ऐसा ही हुआ अभी, जब पोर्कियों ने चीन से 46 बोगियां मंगाई, बंदों ने चीन से बोगियां तो मंगा ली लेकिन बाद में पता चला कि वो पाकिस्तानी ट्रेकों पर चलने लायक ही नहीं है। मतलब बंदों ने पहले बोगियां खरीदने में खर्च किया, फिर उनको अपने ट्रेकों पर चलने लायक बनाने में और खर्च किया, और इस हिसाब से पोर्कियों को इन चाइनीज बोगियों की लागत कितनी पड़ी। लेकिन पाकिस्तानी नेता अपने कारनामे नहीं देखेंगे बल्कि आवाम और रेलवे कर्मचारियों से कहेंगे कि रेलवे घाटे में चल रही है। लेकिन घाटे में चल क्यों रही है बंदे ये नहीं बताएंगे। बताएंगे तो क्या? पाकिस्तान रेलवेज में लूटमार का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ने पाकिस्तान रेलवेज में 5 अरब 17 करोड़ की खुर्द बुर्द बदनवानी और चोरी की रिपोर्ट जारी कर दी है। और उधर पाकिस्तानी रेलवे और ट्रेनों की हालत देखकर चोर, इसे भंगार में भी बेचूं कांच की चूड़ियां भी नहीं खरीद पाऊंगा माँ के लिए। भाई इन पाकिस्तानी नेताओं का सही है, खुद से रेलवे में घपलाबाजी करो और बिल फाड़ो आवाम पर। भाई आज के समय में पाकिस्तान रेलवे की ये हालत हो गई है कि जहां एक तरफ हिंदुस्तान में रेलवे ट्रैक और ट्रेनों का नजारा कुछ ऐसा होता है, वहीं पाकिस्तान में मजा आए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सही बात है, देखो ना जितनी एक रेलवे की भाई हालत है ना, लकड़ी। इनको तो भाई कुछ एक ना वो रेलवे स्टेशन बंद करके ना जो जमीन ये रेल पटरी ने मतलब के घसीटी हुई है उस पर भाई ये कोई कनक बीज ले तो वो ही क्योंकि आटे का जो ब्रांड आया हुआ है ना वो खत्म हो जाएगा। क्योंकि इधर से आप अंदाजा लगा ले फैसलाबाद से वो मुल्तान जाती है, कराची जाती है ट्रेन, इतनी मतलब के फसल बीजी हो तो कितने मतलब बन जाती है। जितने हाँ। 40 या समथिंग बोगीज मंगवाई और पता लगा ट्रैक पे आपकी जाती तुमने, है तुमने तुम्हें इतनी अक्ल ही नहीं है कि तुमको कौन सी मेजरमेंट की किस टाइप की चाहिए, और पता नहीं उसकी रिटर्न पॉलिसी थी कि नहीं, रिटर्न भी नहीं कर पा रहे थे उनको होटल बना दो फिर कह तो रहे थे कुछ, एक हमने कहीं सुना तो था कि उनमें अब वो होटल टाइप लोग रह रहे हैं या क्या कर रहे हैं, उस टाइप से होटल बनाया हुआ है कि आप कमरे ले लो और वहाँ पे रह लो, ये हालत है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, ये देख लो पाकिस्तानी रेलवे का हाल, जो वहाँ के नेता ही ऐसे सर फिरे है जिसको कोई समझ नहीं है तो वहाँ का रेलवे सिस्टम कैसे सुधरेगा। वैसे भी इन्होंने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ऐसा काम किया ही नहीं है, जो उनको बंटवारे के समय मिला था वही आज तक चला रहा है, उसको सही तरीके से मेंटेन भी नहीं कर सके, और जो मिनिस्टर्स आते हैं उसको भी कोई समझ नहीं है, सिर्फ करप्शन में ही वो डूबे रहते हैं, अपनी जेबें भरने के लिए ही मिनिस्टर बनते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो मिनिस्टर बन के कुछ पाकिस्तान रेलवे का हाल सुधार देंगे, और ये हमें हमारे साथ कम्पीट करने की सोच रहे हैं। आप तो अफगानिस्तान से ही कंपेयर करते रहिए क्योंकि आपकी औकात ही वही है। तो आपके क्या विचार है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना मत भूलिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए।